कार्तिक महात्म्य व्रत कथा पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी ने मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र से कहा, हे स्वाभिमान, हाथ में पुष्प ले लो, स्वाभिमान मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है, मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ, मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझे सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों से के रहते हुए भी आपको विशेष प्रिय है हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, इसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिस कल्प प्रयत्न भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि ना हो। हे श्री सूत जी ने श्री सूत जी कहा कि ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियात्मा सत्यभामा को बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देख हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुरोग को देख संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए तुम मुझे प्राण के मुतुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बातें भी कह देता हूँ, फिर मुझ में पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ, सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रदादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदोगों को परांगत अतिथि पूजक अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदिश्यमान था। उसका वृद्धावस्था में गुणवती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्रमा श्री देव शर्मा को अपने पिता के था। वैसे एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समीधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग
शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव की आराधना किया था उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय शैव, सूर्यपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। बोलो विष्णु भगवान की जय।